खबर अहमदाबाद से है। अहमदाबाद का एक अस्पताल जिसका सीधा ताल्लुक राजस्थान से है, क्योंकि उस अस्पताल का नाम राजस्थान अस्पताल है। आपको बता दें, अहमदाबाद के राजस्थान अस्पताल के बेसमेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया है। सुबह सुबह लगी आग से अस्पताल में सो रहे मरीजों के बीच हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। यह आग बेसमेंट में लगी थी, जिसके कारण ऊपरी मंजिलों तक धुआं पहुंच रहा था। बता दें, अस्पताल में 100 मरीज भर्ती थे, जिन्हें शहर के दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में खड़ी 30 से ज्यादा गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई है। दमकल कर्मी जयेश खड़िया ने बताया कि राजस्थान अस्पताल के दूसरे बेसमेंट में आग लग गई है। इस बात की सूचना विभाग को रविवार सुबह 4:30 बजे फोन कॉल के जरिए मिली। आग लगने से हड़कंप मच गया है, इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मौके पर लगभग 31 फायर टेंडर है। दमकल अधिकारी ने बताया कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। माना जा रहा है कि बेसमेंट में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से आग लग गई। वही शाहीबाग पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार सुबह 4:30 बजे राजस्थान हॉस्पिटल के बेसमेंट में आग लग गई, और पुलिस निरीक्षक MD चंपावत ने बताया दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं। अस्पताल के बेसमेंट में लगातार धुआं निकल रहा है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की करीब 31 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल स्थिति को देखते हुए हॉस्पिटल के रास्ते को बंद कर दिया गया है।